दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लघु उद्योग में। लघु उद्योग एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको कम पूंजी में बहुत अच्छे बिजनेस के बारे में बताया जाता है। मेरा चैनल आपको हमेशा से इन छोटे उद्योगों के बारे में बताएगा जिन्हें एक मिडिल क्लास या अपर क्लास भी इस काम को स्टार्ट कर सकता है। वैसे तो बहुत सारे उद्योग हैं लेकिन बजट के अनुसार, आपकी मिडिल क्लास के अनुसार, ये चप्पल मेकिंग का बहुत अच्छा बिजनेस है। मेरे पास बहुत तरह के बिजनेस हैं जिसमें से एक बिजनेस चप्पल मेकिंग का भी है। मैं अपनी और वीडियो में आपको अलग अलग तरह के बिजनेस बताऊंगा। इन्हीं वीडियो को पाने के लिए आप एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लघु उद्योग एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, घंटा दबाएँ और अच्छे से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छी जानकारी हासिल करें। तो दोस्तों शुरू करता हूँ चप्पल मेकिंग बिजनेस के बारे में। चप्पल मेकिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जैसे आप कहते हो कि YouTube पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो मैं कहूँगा कि बिजनेस में अभी चप्पल मेकिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ये बिजनेस ट्रेंड क्यों है? क्योंकि इस बिजनेस में खासियत यह है, कम कॉस्ट में बहुत अच्छी चप्पलें तैयार होती है। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे सैंपल रखे हुए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक ये चप्पल है, ये चप्पल इस टाइम पर जो तैयार हो रही है मात्र 3200 में तैयार होती है। इस चप्पल के अलग अलग सोल आते हैं, सोल को आपने सोल कटिंग करना है, जो 4-5 मशीनों के प्रोसेस से ये चप्पल तैयार होती है। इन मशीनों में आपकी अलग अलग तरह की मशीनें हैं। सबसे पहले दोस्तों एक मशीन आती है सोल कटिंग मशीन। सोल कटिंग मशीन में क्या होता है कि हवाई चप्पल का जो सोल है वो इस मशीन में कटेगा। ये मैंने आपकी मशीन ऑन करके दिखाई है। इसमें क्या होगा कि आपको इस स्लीपर का केवल सोल कट के मिलेगा। तो सोल कटिंग में आपको स्लीपर में जो हमने सोल काटते हैं केवल सोल कटेगा। इसी तरीके से 5 से 6 प्रोसेस में ये मशीन तैयार होती है। तो सबसे पहले सोल कटिंग के बारे में इनको बताने के बाद फिर आपको मैं अलग प्रोसेस आता हूँ। का प्रोसेस होने के बाद अगला प्रोसेस जो आता है ड्रिलिंग का आता है। वैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक डाई रखी हुई है, इस डाई से आपका सोल कटता है। ये डाई क्या करती है, स्लीपर का सोल काट के दिखाएगी आपको। इसमें हर क्वालिटी के आपको सोल कटेंगे, इस तरह के पैटर्न आते हैं जिन्हें आप डाइयाँ भी कह सकते हैं। डाइयाँ क्या होता है कि बहुत अलग अलग तरह की है, बच्चे की डाई अलग है, लेडीज की अलग है, जेंट्स की अलग है। इसके बाद आपका जो अगला प्रोसेस आएगा वो आता है ड्रिलिंग का। ड्रिलिंग में क्या होता है कि आपको स्लीपर के पीछे काउंटर बनाना होता है। जैसे ये ड्रिल मशीन है, इस ड्रिल मशीन में हम देखेंगे तो इस तरीके से काउंटर बनता है। तो इसको आपने डाउन करना है, तो इसमें काउंटर बना के जब हम इसमें स्टेप को फिट करते हैं तो लेबलिंग करेगा। इस चीज़ की लेबलिंग करने के लिए हमने ड्रिलिंग का काउंटर कर रखा है, ड्रिलिंग कर रहे हैं प्रोसेस में। तो इस तरीके से जो प्रोसेस होता है, तो एक सोल कटिंग है, फिर ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग के बाद फिर आता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में सबसे ज़रूरी ग्राइंडिंग प्रोसेस में यह होता है जो आपका स्लीपर है, स्लीपर की जो साइडों की फिनिशिंग है वो आपकी ग्राइंडिंग मशीन से होगी। तो मेरे पास ग्राइंडिंग मशीन रखी हुई है, जैसे यहाँ पर रखे हुए बहुत सारे ग्राइंडर रखे हुए, ये ग्राइंडर है, आप इसमें भी कर सकते हैं। इस तरह के ग्राइंडर रखे हुए, आप इसमें भी ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है आपका स्टेप फिटिंग का मैटर। स्टेप फिटिंग में आपने क्या करना है, स्टेप फिटिंग में आपने केवल हवाई चप्पल के फीता फिट करना है। लोग बहुत लोग स्टेप का मतलब भी नहीं समझते, स्टेप मीन्स होता है कि ये फीता। जेन्युइन सी बात है, अगर इस तरह का फीता होता है तो इस तरह की छोटी सी टेबल बनी हुई है, इस टेबल में आपने स्टेप फिट करना है। यहाँ पर एक इसमें बिट लगी रहती है, इस बिट के थ्रू आप इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा कि स्टेप को अंदर खींच लेगा और स्टेप फिटिंग में आपकी जो स्लीपर है उसमें आपका फीता फिट हो जाएगा। तो 4 से 5 प्रोसेस में। इसके बाद एक बहुत अच्छा प्रोसेस आता है प्रिंटिंग। लोग कहते हैं कि हम अपने चप्पल को ब्रांड कैसे दे सकते हैं, मैं कहूँगा कि जैसे ये स्लीपर है इसके आगे जो प्रिंटिंग हो रही है, इस तरह की प्रिंटिंग है, ये प्रिंटिंग हम लोगों ने खुद करी होती, मैनुअली करी होती। स्क्रीन प्रिंटिंग सुना होगा, जैसे शादी के कार्ड छपते हैं जिस बोर्ड से, उसी बोर्ड से ये स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। स्क्रीन प्रिंटिंग में आप अपने अच्छे अच्छे डिजाइन छाप सकते हैं। जैसे मैंने क्या करा कि मेरे कलिंग ने ये व्हाट्सअप छाप रखा है, व्हाट्सअप में क्या है कि मैंने अपने स्क्रीन में ले लिया व्हाट्सअप को, तो व्हाट्सअप मैंने प्रिंट कर दिया। मैं इसमें चाहूँ तो कोई लोगो प्रिंट कर सकता हूँ, मैं इसमें किसी की फोटो प्रिंट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने चप्पल बनाने के व्यवसाय को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ रही बात ब्रांडिंग की, ब्रांडिंग में आपने क्या करना है, बहुत अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं। एक मेरे पास ये स्लीपर है, फैब्रिक कहते हैं इसे, फैब्रिक आइटम बनाने के लिए भी आपको अलग अलग तरीके की जानकारी चाहिए। जैसे ये हील का आइटम है, आप यहाँ से देखेंगे इसकी हील बढ़ी हुई है, यहाँ से इसकी ये डाउन है। तो ये हील आइटम आप बना सकते हो इसी मशीन में। आपको इस मशीन में जितने भी मार्केट में आपके फैंसी लेडी जेंट्स हर तरह का आइटम जो भी आ रहा है सारा कुछ बनेगा। तो इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक आता है इस तरह की शीट जिसे एम्बोजिंग शीट कहते हैं। एम्बोजिंग में आपने अलग अलग तरह के मटेरियल लाना है, और इस मटेरियल के ये मेरे पास शीटू के सैंपल है।
जिन्हें आप यूज कर सकते। दोस्तों मैं बता रहा था आपको हवाई शीट के बारे में, तो इस तरह की जो शीटें हैं इनके बारे में बता रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आते हैं, जो भी आप स्लीपर में देखते हैं तो वो हर तरह के डिजाइन आप बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अपनी चीज की ब्रांडिंग कैसे करें। लोग अगर आपको लखानी को टक्कर देनी है, रिलैक्सो को टक्कर देनी है, एक्वा लाइट को टक्कर देनी है, ये लोग कोई अलग मशीनों से चीज़ें नहीं बनाते, इनके पास भी सेम यही मशीनें हैं, यही ड्रिल मशीनें हैं, तो प्रोसेस यही है। तो लेकिन इनके लिए क्या है कि एक ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात हो जाती है, कि इनकी दुकान ही ऊंची है और पकवान इनके भी फीके हैं, पकवान बोले तो इनकी स्लीपर इनकी भी फीकी है। तो आपको मैं बताऊँ ब्रांडिंग कैसे करनी होती है। दोस्तों ये देखो एक एक कार्टून बॉक्स है जिसमें मैंने डुप्लीकेट रिलैक्सो छपवा रखा है। लोग इसको इस तरीके से सेल करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एडिडास को एडी पास कर दिया, डी को बी कर दिया, फॉन्ट चेंज कर दिया, इस तरह से बहुत लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी ब्रांडिंग करें, अपना लोगो प्रिंट करें, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह के कार्टून छपवा के आप अपनी चीज़ को, 2 से 3 रुपये का ये कार्टून होता है, जिसमें 2.5 से 3 रुपये की इस कार्टून में कॉस्ट आती है, जिसमें एक साइड हमने स्लीपर के साइज लिखे होते हैं लेडीज जेंट्स, और एक साइड में आप अपनी कंपनी का एड्रेस कस्टमर केयर नंबर लिख सकते हैं। इससे आपकी ब्रांड का प्रचार होगा, आपकी कंपनी का प्रचार होगा, चीज़ आपकी पॉपुलर होगी। तो दोस्तों आपको अगर ये बिजनेस बहुत आगे प्रोसेस पे ले जाना है, हमेशा आप एक चीज़ याद रखो, ब्रांडिंग पे काम करना है। आप अपनी चीज़ की ब्रांडिंग दो। रिलैक्सो एक्वालाइट पहले स्टार्टिंग बहुत अच्छी ब्रांडिंग देती थी, आजकल इनकी कंप्लेन आती है ब्रांडिंग इनकी वैसी नहीं रह गई है जैसे पहले थी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक आपकी कंप्लीट स्लीपर कैसे तैयार हो सकती है। जैसे मैं ये फैब्रिक आइटम को ही लूँ, ये स्लीपर तैयार होती है 37 रुपये में, 37-37 रुपये में तैयार होने के बाद कंप्लीट। इसमें आप अगर 3 रुपये का पैकिंग बॉक्स खर्च करते हैं, इस चीज़ को ऐसे बॉक्स खोल के आप इसे ऐसे पैक कर सकते हैं, पैक करने के बाद जब ये स्लीपर जाती है मार्केट में, तो कोई रिलैक्सो एक्वालाइट से स्लीपर आपकी कम नहीं है। आप इस तरीके से इस चीज़ को काम करें, बहुत आगे आपका बिजनेस चला जाएगा। तो ब्रांडिंग के लिए केवल आपने एक पैकिंग कॉस्ट खरीदना है, 2 से 3 रुपये लगा के आप 20 से 30 रुपये का मार्जिन बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तो रही बात इसमें मार्जिन की, तो दोस्तों सीटें आती है हवाई की, बहुत अच्छी अच्छी सीटें आती है। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको हवाई सीट के बारे में बताऊंगा। मेरा गोडाउन भी इधर ही रहता है, इसी क्षेत्र में मेरा गोडाउन है, तो मेरे गोडाउन में बहुत तरह की सीटें रखी हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद आपको अगली जो वीडियो मिलेगी वो वीडियो मिलेगी मेरी हवाई मटेरियल से रिलेटेड। इसका मटेरियल इतना सस्ता हमारे पास उपलब्ध है कि आपकी चप्पल की कॉस्ट 25 रुपये से शुरू होती है, 25, 28, 30, 32 तक पहुंचती है। तो वीडियो में आपको हमेशा फोकस रखना है, चैनल के पीछे लगे रहेंगे तो आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे, जिसमें आप हर तरह की स्लीपर को तैयार करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी के लिए इतना ही। मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें मैं आपको हवाई चप्पल के मटेरियल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा और बहुत सस्ता मटेरियल मैं उपलब्ध करवाऊंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9412962702, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मशीन कहाँ से मिलेगी, मैं खुद मशीनों का ऑनर हूँ, जो मेरे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का है। मेरी वर्कशॉप आपको देखनी हो, मैं आपको वर्कशॉप दिखा सकता हूँ जहाँ पर ये सारी मशीनें तैयार होती है। तो एक देसी मॉडल की मशीन है, हम लोग चाइनीज मशीनें नहीं लेते, हम लोग कोरियन मशीनें नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें उनका मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं आता है। अगर आपको अपनी मशीन का मेंटेनेंस चाहिए, इंजीनियर किया हुआ लड़का चाहिए, इंजीनियरिंग का लड़का चाहिए, मैकेनिक चाहिए, वो सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध रहेगी। मेरा लड़का आके आपके यहाँ पे मशीन इंस्टॉल करके जाएगा, आपको सारी चीज़ें सिखा के जाएगा। और ख़ास तौर पर तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों से है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दिल्ली तक का रीजन हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और सर्विस देने में हमें दिक्कत नहीं होती है। 24 घंटे के अंदर हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन यही चीज़ें कहीं साउथ में चले जाती है, आंध्रा चले जाती है, तो वहाँ पर हम लोग 4 से 5 दिन का टाइम लेते हैं सर्विस प्रोवाइड करवाने में। सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार होती है। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हो अपने घर बैठे बिजनेस में। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।